bond length, when two atoms associate and form bond, then the distance between their nucleus is called bond length. It is represented by angstrom. The value of hybridization is decreased as S character is increased. S per bond length decrease because force of attraction S is closer to nuclear. जब दो एटम्स आपस में एसोसिएट होते हैं तो उनके न्यूक्लियस के बीच की दूरी को बॉन्ड लेंथ कहते हैं। इसे एंगस्ट्रॉम से रिप्रेजेंट करते हैं और जैसे जैसे एस कैरेक्टर की वैल्यू बढ़ती जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जाती है, जिस कारण बॉन्ड लेंथ की वैल्यू कम हो जाती है। यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स शो हो रहे हैं, इथिन, एथिलीन, एसिटिलीन। इथिन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, एथिलीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और एसिटिलीन में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसमें हम s कैरेक्टर निकालेंगे कि इथिन में, एथिलीन में, एसिटिलीन में कितना s कैरेक्टर है। तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए 100/4, 4 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे sp3, p3 और 1s, तो टोटल 4, 100/4, तो 25% s कैरेक्टर है। इसमें 100/3 लिया क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन था, तो यहाँ पे 33.33% s कैरेक्टर है। और एसिटिलीन में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो यहाँ पे 100/2 लिया है, तो 50% s कैरेक्टर। यहाँ पर एस कैरेक्टर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ता जा रहा है, जिस कारण यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कम होती जा रही है। यहाँ पर 1.54 एंगस्ट्रॉम है, यहाँ पर 1.34 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पर 1.20 एंगस्ट्रॉम है। एस न्यूक्लियर के बहुत पास में होता है, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है और बॉन्ड लेंथ कम होती जाती है। Bond angle, when two nearest atom is attached with atom, the angle between these two atoms is called bond angle. The value of hybridization is decreased and S character is increased, then the force of attraction is increased. As per the bond angle, value is increased. किसी सेंट्रल एटम से जुड़े हुए पास के दो एटम्स के बीच जो एंगल बनता है, उसे हम बॉन्ड एंगल कहते हैं और इसे हम डिग्री से शो करते हैं। जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू कम होती जाती है और एस कैरेक्टर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू बढ़ने से बॉन्ड एंगल की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। पर भी वही सेम 3 एग्जाम्पल्स हैं, एथिन, एथिलीन, एसिटिलीन। यहाँ पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे s कैरेक्टर निकालते हैं, तो यहाँ पे 25%, यहाँ पे 33.33%, यहाँ पे 50%। और बॉन्ड एंगल 109 degree, 28 minute, 120 degree, 180 degree। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू कम होती जा रही है और एस कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू भी बढ़ने से बॉन्ड एंगल की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर कम है, फिर उससे ज़्यादा यहाँ पर, फिर उससे ज़्यादा यहाँ पर है। नेक्स्ट इज बॉन्ड एनर्जी, व्हेन बॉन्ड इज फॉर्मड बिटवीन टू एटम्स, देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। और द एनर्जी रिलीज व्हेन बॉन्ड इज फॉर्मड बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। द वैल्यू ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज डिक्रीज्ड एंड एस कैरेक्टर वैल्यू इज इंक्रीज, एस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैल्यू इज इंक्रीज, एस पर बॉन्ड एनर्जी इज ऑल्सो इंक्रीज। किन्हीं दो एटम्स के बीच बने हुए बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। और किन्हीं दो एटम्स के बीच बॉन्ड बनाने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है, उस रिलीज एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी कहते हैं और इसे किलो कैलोरी से शो करते हैं। जैसे जैसे एस कैरेक्टर की वैल्यू बढ़ती जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू भी बढ़ने से बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ जाती है। यहाँ पर भी वही सेम 3 एग्जाम्पल्स हैं और एस कैरेक्टर की वैल्यू बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है, जिससे बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ जाते हैं। यहाँ पर 83.2 किलो कैलोरी है, यहाँ पर 146.8 किलो कैलोरी है, 200.6 किलो कैलोरी है। मीन्स जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, जिससे एनर्जी भी बढ़ती जा रही है।
फाइनली हम ये कह सकते हैं किसी कंपाउंड के लिए हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू कम होती जाती है और एस कैरेक्टर बढ़ता जाता है तो न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने के कारण बॉन्ड लेंथ की वैल्यू कम हो जाती है जबकि बॉन्ड एंगल व बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाती है।